खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। बहुत नाइंसाफी है। नहीं बसंत, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। साहब एक बीड़ी देना। नहीं है बीड़ी। क्या कहा? इंस्पेक्टर साहब, आज किसे जेल छोड़ने आए हैं? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह। लगता है खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब। अपनी बहादुरी पर बहुत ज्यादा घमंड है तुम। एक काम करोगे मेरे लिए? काम हम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं ठाकुर साहब। कितने चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये मालूम है तुमको? अपनी औकात के हिसाब से बात करो ठाकुर साहब। बात आपने तो बहुत एटीट्यूड में कही, जैसे 3-4 कमरे भर रखे हो रुपए से, और जब मांग दिए तो हवा ठंडी हो गई। बकवास बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस काम की तुमको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। बुड्ढा कुछ ज्यादा सीरियस है ऐसा है? पहले काम पूछो, नहीं तो उल्टो से तो काम कराए के काला पानी से जाकर बैठे सारो। काम क्या है? बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? अरे बहादुर है तो कोई सेरक पिंजरा में ले जाके बंद कर दियो। अरे तुम कैसे कहते हो, जान ले लो तो जान थोड़ा ले पे ही पैसा के मारे। किसी की जान नहीं लेनी है। सुनो सारो, धान तो नागड़ा भी पारियम, मुझे तो धान नागड़ा भी पो। धान नागड़ा पे धान नहीं, किसी को जिंदा पकड़ना है। बहरानो कुत्ता तो नहीं है? नहीं, अब कोई सवाल नहीं। काम जो मैं चाहूं, कीमत जो तुम चाहो। गब्बर सिंह वो मशहूर डाकू? हाँ वही। सुना है पुलिस ने उस पर कुछ इनाम भी रखा है। 50,000 रुपए, जिंदा या मुर्दा, लेकिन तुम्हें हमारे लिए जिंदा पकड़ना होगा। समझे मेंटर? इसने 20,000 में घर के लोन का मनाई लियो, अब 30,000 बैठे बैठे वोट करना चाह बिना रिस्क के। इसे गाद है जमोर घंट नंबर 1। ठाकुर साहब आप चाहते हैं 20,000 में उसे आपके लिए पकड़े और अब 30,000 बैठे बैठे कमाए। पुलिस का इनाम भी तुम्हें मिलेगा, मुझे सिर्फ काम पर चाहिए। कोई पुरानी दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। तो कुछ और पूछे ठाकुर साहब, क्योंकि आपकी नजरों में हम भी चोर और बदमाश हैं। तो फिर इस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? क्योंकि चोर और डाकू चचेरे भाई। रामलाल लड़ाकू, कितने ही रख लो गिरू, बाकी काम के बाद मिल जाएंगे। कोई बात भाई ठाकुर, तुम्हारी अवैध बात मिल लिया तले इतने रखी लो। जब तुम अवैध लेवी लेवी करते हो आगे थोड़ा कहते चलिए ऐसा करो रख ले। अरे ऐसे का तमाशा यार रख ले यार, कोई जेब खतरा था ना, कुख्यात डाकू है उसका पकड़ में जान भी जाए लगते हो ये बेमाना ही है। ऐसा हो डाकू साहब, पैसा का मामला दोस्ती ना है, पैसा काम क्लियर करो नहीं तो हम लोग चले।
जिन्हें करवाए मैं करूँ। चलो चलो रुको बैठ। रामलाल 1400 रुपए ही नहीं दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। देखो ठाकुर रुपया हम दे दे लेकिन बाद में नहीं जाऊंगा। काम करो जाओ दुआ कर। आओ कितने आदमी थे? भाई आ जा आ जा। मैंने पूछा कितने आदमी थे? बंदा है। कितने आदमी थे? अरे यार कोई तो बताए तो कितने आदमी है यार। बताए का है नहीं देते यार। हम यार ना बताए भी हम खेल ले हैं गेम। अरे आप आओ तो तुम अभी तुम ए यार बताओ तो कहा है ना कितने आदमी है। पहले हम इसकी लकड़ियां दूर करें। कहा है कहा चिल्लाई रहा कितने आदमी है? अरे यार बताओ ऐसा कितने आदमी रहे? दो ही। वो दो और तुम तीन फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या सोच कर आए थे? गब्बर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। धिक्कार है। अरे कालिया भाव कोई चक्कर नहीं, ले जाओ भाई। उठा दो यार। ना ना ले जाओ भाई। जी भी यार आदमी हो। अरे ओ जाम्बा कितना इनाम रखे है सरकार हमरे ऊपर? पूरे 50,000 सरदार। कितना? 50,000। एक बार और तो बताना जाम्बा। चल पूरा बार बार ना बता पाइए यार। एक और बता दो। 50,000 आखिरी बार बता रहे हैं। अरे यार 50,000 क्या क्या अगर सरदार लगा ले तो सम्मान नहीं मिल जाता? अब तो सम्मान दे रहा है। नहीं नहीं सुन ले इन लोगों ने। सम्मान ले लो तुम पहले। लोगों ने सुन ले। सुना सुना कहीं चल जा रहे ना पूरा धस सारे। अब है गोली मार दी। अब 50,000 रुपये निकले कहीं बनाए सुने तुमने? अरे जैसे झूठी बातें हैं जैसे झूठी बातें हैं और हाँ। कच्ची बातें हैं। हम कसम खाए थे का सरकार ने हमारे ऊपर 50,000 रुपया इनाम रखो। हाँ कसम कह के कसम खाए थे का? विद्या रानी कसम खाए थे। विद्या रानी सबई कोई खाई ले तो कही की खाए? मम्मी कसम खाओ। मम्मी कसम नहीं खाई पी हमने तुम लोगों से पहले के जैसे फर्जी बात आई है। ठीक है हम अपनी कसम खाई। कहा था कि सरकार ने हमारे ऊपर 50,000 रुपया इनाम रखो। अब किसले सरकार ने 50,000 रुपया इनाम रखो? किसले है भैया? क्योंकि 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटे सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। बस गब्बर सिंह बस। बहुत देर से गप्पा यहाँ गिरा है। अब मेरे मुंह ना खुलवा पाओ। अपने मुंह से अपनी बड़ाई उतनी देर से मारे परे। कौन सी हमने अपनी बड़ाई मारी?
अरे जाए कि 50,000 के इनाम सरकार हम पर रखे है। बहुत है कद्दू है सरकार तो टाइम है तुम्हारे से लुटे चोर पकड़ते हूँ मैं तुम्हारे तो फिल्म ना पकड़ रहे। और हाँ भैया जो कौन से रोज रोज गाना गाओत रात कि 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सोजा बेटे सोजा बनना गब्बर आ जाएगा। गब्बर ऐसो आजकल माँ कोई ना कहा जब सब तुम्हारे दिमाग को फितूर है समझे। खामोश। एक तो गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हो ऊपर से जुबान लड़ाते हो। इसकी सजा मिलेगी बराबर मिलेगी। का बात का बात तेरे तो मंचा दे भाई। कल लेने गया हूँ बेची कार तो उड़ रही तुम फिली फांडम चलाई डाल रहा हूँ मेरी बहन गोली जा गया बड़ा सवारी। कितना गोली इसका अंदर सरदार? मैंने पूछा कितना गोली इसका अंदर? 6 गोली है सरदार। छह गोली है इसके अंदर। छह गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है बहुत नाइंसाफी है। अब ठीक अब इसके 3 खानों में गोली है और 3 खाली भाई। 3 खाली है समझो मतलब का भाई जो 3 गोली सरकार ने दगाई नहीं है भाई सही रहा है और जो 3 गोली वहाँ बची है भाई मिसवा ली है का। हाँ भाई डाले रखा चलती थोड़ी ना है। अब हम इसको घुमाए दिए हैं इसमें कहाँ गोली है और कहाँ नहीं हमको नहीं पता हमको कुछ नहीं पता। अब इसके अंदर 3 जिंदगी और 3 मौत बंद है। किसके हिस्से में क्या आएगा हमका नहीं पता हमका कुछ नहीं पता। बच गया साला। ये भी बच गया साला। अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैं तूने मेरा नमक खाया है ना? नहीं सरदार दुधाव खाली झूठी कसम खाई। तीनों बच गए साले। तीनों बच गए तीनों हराम ज़ादे बच गए। तीनों बच गए तीनों हराम ज़ादे बच गए। अरे ओ सांबा सांबा उस दिन मत डारेगा रामगढ़ में हमें बाबू जलेला। अरे ओ बबुआ। जी सरदार। ये रामगढ़ वाले कौन सी चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? हाथ पैर तो देखो इसके कितने करारे हैं। अरे सरदार यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं इसके
बहुत अच्छा डांस करती है, लाखों व्यूज आते हैं लाखों। बहुत कटेली नचनिया हो, जरा हमको भी दिखा दो चार ठुमके हैं। देखो ज्यादा नखरे मत दिखाओ रानी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीरू, पुराना याराना लगता है। बंद दो साले को। आओ महारथी आओ, आज आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। रामजादे, मैंने तुझसे बड़ा चूतिया पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब देखोगे भी नहीं। नहीं, बहुत ही आराना लगता है। अरे हो बबुआ। जी सरदार। उठा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। ये जोगागत, मेरे ऊपर क्या यार बंदूक टान है? तुम्हें तो कही लगा निशाना कुत्ते पर। हम का तुम्हें यार कुत्ता दिखा। चलो इसके ऊपर लगाए दे रहे। अब देख, जब तक तू नाचेगी तब तक ये जिंदा, तूने नाचना बंद किया ये मुर्दा। चल अब नाच। नहीं, बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं वीरू, मैं नाचूंगी, वरना ये कुत्ता तुम्हारी जान ले लेगा। अब तो बसंती को पता चल गया कि जो कुत्ता है। बसंती तुम मत नाचना, ये कमीना बहुत पैसरा गाता है। मतलब इसके पास साउंड सिस्टम नहीं है। ये गाएगा और तुम्हें अपने गाने पर नचवाएगा। क्या? हाँ छमिया, तुझे मेरे गाए गानों पर नाचना होगा। मैं गाऊंगा और तू नाच। तो मैं हरगिज नहीं नाचूंगी। अरे ओ बबुआ, काय जरा उठा तो बंदूक। उठाए खड़े हैं यार। तो उड़ा दे इसके यार की खोपड़ी। उड़ा दो, बिना म्यूजिक के नहीं नाच पाऊंगी। सरदार, बिना म्यूजिक के ये नहीं नाचेगी। तो सरदार, इन सबसे पूछ लो, इनके पास मोबाइल है चाइना वाला। चाइना वाला? हाँ सरदार, उसके आगे डीजे भी फेल है। अरे ओ गब्बर की फौज, किसी के पास चाइना वाला मोबाइल है क्या? हाँ सरदार, मेरे पास है डबल स्पीकर वाला। अरे ओ बबुआ, तो बजा एक तड़कता भड़कता गाना। चल अब तो नाच। नया घर में चौकीदार था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बजाने के मैं आ गई। मुझको लगा के नचले 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 मेरी यार तू नचले। झनक झनक झनकार हो नचले नचले मेरी यार तू नचले। अब तो लुटा है बाजार सबको बुला के ना।
खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। अपनी अपनी बंदूक फेंक दो। हम नहीं फेंक पाई। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। सेरा यार, अपनी बंदूक फेंक कहाँ ना इधर। हम नहीं फेंक पाई। शेरा, बंदूक फेंक दो, वरना तुम्हारे सरदार की खोपड़ी उड़ा दूंगा। उड़ाई दो खोपड़ी, हम नहीं फेंक पाई। गब्बर, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अरे भैया, तुम मेरे गोली मार दो, वो बंदूक ना फेंकी, वो तो जय चाहती है। अगर इसने पीछे से गोली चला दी तो? अरे बाकी टेंशन ना लो, कारतूस बहुत दिन से नहीं है। मैं भी साथ चलूंगी। नचियो ना, नाच लो थोड़ा। चलो